नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन में। दोस्तों मैं यहाँ आपको बताया मैथमेटिक्स ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए जीके हो, मैथमेटिक्स हो या साइंस के वीडियो हमेशा अपलोड करता हूँ। आज मैं आप सबको बताया संख्या पत्ती सरलीकरण और बाकी जो एलसीएम एलसीएफ के हैं उनके पार्ट मैंने कई वीडियो पीछे डाल दिए जिनके प्ले लिस्ट का लिंक नीचे दिया गया ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के नाम से, मैथमेटिक्स के नाम से, उस पे जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। मैंने अनुपात समानुपात के पहले दो पार्ट अपलोड कर दिए, वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। चलो आज बिना देरी के वीडियो शुरुआत करते हैं और छोटी सी एक गुजारिश आप सबसे करना चाहूंगा, प्लीज यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलो पहले बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, तृतीय अनुपात। किसके बारे में बात करेंगे, तृतीय अनुपात। पहले हम बात करने वाले हैं तृतीय अनुपात के बारे में। तृतीय अनुपात बात करें, जैसे एक में नॉलेज के तौर पे आपको बताऊं, यदि कोई संख्या ए व बी हो तो आपको सबको पता है ए लिखा बी लिखा, दो संख्या आपको ए और बी दे रखी है, आप सबको भी पता है। आगे हम समानुपात का चिन्ह लगाते हैं, क्या लगाते हैं, और आपके पास चार पद होने चाहिए तो एक अभी को क्या रिपीट करना पड़ेगा, बी को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। और आगे हमें मान लो ये पद आपको ज्ञात करना है, एक्स मान लिया, ये क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो देखो नाम तो तृतीय अनुपात एक दो तीन, जबकि चौथे पे क्या रहा है एक्स, इसका मतलब दो संख्या देके आपको तृतीय अनुपात की बात करें तो वास्तव में क्या होता है, चतुर्थ अनुपात होता है। अब बात करें एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, आपको पता है बाह्य पदों का गुणा अंदर वाले पदों के गुणा के बराबर होगा, तो ए को एक्स से गुणा करते क्या आएगा, ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपको चाहिए तो क्या होगा, बी स्क्वायर बटे ए होगा। इसका मतलब आपने क्या सीखा, दो संख्याओं का जो तृतीय अनुपात कह दो भले चतुर्थ अनुपात कह दो, वो क्या होता है, दो नंबर वाली संख्या का स्क्वायर बटे एक नंबर वाली संख्या होती है, ये मैंने आपको सिखाया। अब आपको कह दे ए व बी का तृतीय अनुपात, तो क्या होगा, ए और बी का तृतीय अनुपात होगा बी स्क्वायर बटे ए, क्या होगा, बी स्क्वायर बटे ए होगा, यानी दो नंबर वाली संख्या का स्क्वायर बटे एक नंबर वाली संख्या। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन आपके दे दिया, मैंने दे दिया 100 व 40 का तृतीय अनुपात बताओ, क्या बताओ, तृतीय अनुपात बताओ। देखो बार बार मैं बात कह रहा हूं, दो संख्या देके भले ही आपको तृतीय अनुपात कहे चतुर्थ अनुपात कहे एक ही बात है, क्योंकि तृतीय अनुपात नाम नाम केवल तृतीय अनुपात है तो वास्तव में कौन सा अनुपात, चतुर्थ अनुपात। चलो आपको क्या करना है, दो नंबर वाली संख्या का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बटे ए करना है, क्या करना है, बी स्क्वायर बटे ए, 40 गुणा 40, क्योंकि दो नंबर वाली संख्या 40 है, 40 गुणा 40 बटे में एक नंबर वाली संख्या यानी कितना 100। अब आप काट दो जो कट रहे 0 से 0 0 0, कितना आया 16 आया। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुका है जो 140 वाला है, तो आपको पता चल गया होगा तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, दो संख्या देखिए आपको कहे। चलो एक दो उदाहरण में और करवा देता हूं आपको, एक क्वेश्चन में इधर लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया आप लिख लो 27 व 9 का तृतीय अनुपात बताओ, तृतीय अनुपात की बात कर रहा हूं, या कह दो संख्या के लिए चतुर्थ अनुपात एक ही बात है। अब बात करते हैं बी स्क्वायर बटे ए होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए होता है, तो बी का मान कितना है 9 है, बी का मान कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर 9 गुणा 9 बटे 27, काट देते हैं 27, 9 से कटा कितनी बार 9 3 27, और 3 से ये 9 कितनी बार 3 बार, इसका मतलब कितना है तृतीय अनुपात या दो संख्या के लिए चतुर्थ अनुपात वो कितना आएगा, 3 आएगा। अब बात कर लेते हैं यदि आपको तीन संख्या देके चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं, चलो मैं जल्दी से बिना देरी के आपको बता देता हूँ। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए आप जल्दी से, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो बात कर लेते हैं चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात। देखो बात हमेशा ध्यान रखना, दो संख्या देखे तो तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात एक ही बात है, जबकि तीन संख्या आपको देता है, जैसे ए दे दिया बी दे दिया और सी दे दिया, तीन संख्या आपको दे दी और आपको कहे चौथा वाला पद बताओ, चौथा वाला पद हमने कितना माना, एक्स माना, क्योंकि दो संख्या देता है तब तो वो संख्या रिपीट करनी पड़ती है, जबकि तीन संख्या दे देता है वो सी मैंने लिख दिए। अब देखो ए अनुपात बी यहाँ क्या लगेगा, समानुपात, और यहाँ अनुपात। अब आप सबको मालूम होगा कि बाह्य पदों का गुणा करो, बाह्य पदों का गुणा कराया क्या हुआ, ए एक्स बराबर बी गुणा सी। अब बात करें हमें एक्स की वैल्यू चाहिए
तो बी गुणा सी बटे ए। तो आपने क्या सीखा कि दो संख्याओं के लिए तो बी स्क्वायर बटे ए था, जबकि तीन संख्या दे हो तो बी गुणा सी, यानी जैसे कहे ए कोमा बी व सी का चतुर्थानुपात बताओ। क्या बताओ? चतुर्थानुपात तो क्या होता है? वो होता है बी गुणा सी बटे ए, यानी क्या कह सकते हैं, सेकेंड और थर्ड टाइप संख्या उनको गुणा करके फर्स्ट वाली संख्या का भाग देते हैं। ये बात आपने सीखी, यहां देखे। अब बात कर लेते, चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, 8, 16 व 5 का चतुर्थानुपात बताओ। क्या बताओ? चतुर्थानुपात बताओ। तो आप आसानी से बता सकते कैसे निकालोगे, क्योंकि आप सबको पता है 8, 16 और 5 दे दिया। अब चौथा पद आपको ज्ञात करना है, वही तरीका, ऐसे गुणा करके इसको गुणा कर दो, यानी 8x = 16 × 5। यदि आप काटोगे तो कितना आएगा? 2, यानी x बराबर कितना आएगा? 2 × 5 = 10, या कह दे दो नंबर दोनों संख्या का गुणा करो 2 और 3 नंबर का, यानी 16 × 5/8। ये मैंने यहाँ की है, तो आपको 8 से कटा कितनी बार? 2 बार, यानी 5 × 10, तो आपका चतुर्थानुपात कितना आने वाला है? 10 आने वाला है। तो इस तरह क्वेश्चन, चलो एक मैं और करवा देता हूँ आपको, आपके समझ में आ रहा होगा तृतीय अनुपात दो संख्याओं के लिए क्या था और तीन संख्याओं के लिए चतुर्थानुपात भी आपके समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके लिए, मैं लिखता हूँ 5, 25 व 7 का चतुर्थानुपात बताओ। क्या बताओ? चतुर्थानुपात बताओ। बिल्कुल ही आसान है, आप सबको मालूम होगा क्या होता है, बी गुणा सी बटे ए होता है, बी गुणा सी बटे ए होता है। बी गुणा सी का मतलब क्या हुआ, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर संख्या उनको गुणा करो, 25 × 7/5, कट रहा है तो काट दो, 5 से 25 कितनी बार कटेगा? 5 बार, और 7 × 5 कितने होंगे? 35। ये हमने क्या निकाला? चतुर्थानुपात, तीन संख्या दी हो तो ऐसे निकालते। अब बात कर लेते थोड़ा सा आगे, और आगे बात करें हम, अब थोड़ा मैं वर्गानुपात के बारे में बता देता हूँ, ये तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया तृतीय अनुपात चतुर्थानुपात जो भी है। अब बात कर लेते हैं वर्गानुपात, किसके बारे में? वर्गानुपात। वर्गानुपात के बारे में बात करें तो आप सबको पता है ए व बी का क्या होगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होगा, क्योंकि वर्ग करना है, वर्ग का मतलब घात दो, और घनानुपात की बात करें, घनानुपात मतलब घात तीन, घनानुपात की बात करें तो ए व बी का क्या होगा, ए की क्यूब अनुपात बी की क्यूब, ये तो आप सबको मालूम भी होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, 2 / 3 का वर्गानुपात व घनानुपात बताओ। बिल्कुल आसान है, घनानुपात बताओ। तो आपको वर्गानुपात का मतलब क्या होगा, वर्ग करना। वर्गानुपात का मतलब 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग कितना होगा? 4 और 9 होगा। और घनानुपात की बात करें तो क्या होगा, घन लेना, घनानुपात, घनानुपात क्या होगा, घन करना यानी घात 3 करना, 2 की घात 3 और 3 की घात 3, यानी 2 की घात 3 8 और 3 की घात 3 कितनी होती है? 27। तो ये आपने सीख लिया होगा, घनानुपात और वर्गानुपात तो सीधी सी बात है, घन ही और वर्ग करना है। अब एक इसका उल्टा होता है, एक तो होता है क्या, वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात, एक होता है घन मूलानुपात। क्या होता है? घन मूलानुपात। तो ये आप सबको पता है, ये तो देखो वर्गानुपात का उल्टा है, यानी वर्ग मूलानुपात ए का रूट और बी का रूट, और ये क्या होगा, ए का घनमूल और बी का घनमूल, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि घनमूल होता है वो घन का उल्टा होता है, और वर्गमूल होता है वो वर्ग का उल्टा होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके लिए, घनानुपात वर्गानुपात आप समझ गए होंगे, चलो आप बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देता है आपको 64 व 125 का घनमूलानुपात बताओ, घनमूलानुपात बताओ। घनमूलानुपात का मतलब है घनमूल निकालना, 64 का घनमूल निकाल दो और 125 का क्या निकाल दो, घनमूल निकाल दो। 64 का घनमूल आप सबको पता है कितना होता है, 4 होता है, और ये इसका कितना होता है, 5 होता है, 4 / 5 होगा। अब बात करें 4 और 5 का घनानुपात करें तो ये है, और इसका घनमूलानुपात ये होगा। क्या दोनों आपस में क्या है, उल्टी है। अब बात कर लेते दो नंबर, जैसे मैं कहता हूं 64 व 81 का
वर्गमूल अनुपात बताओ, वर्गमूल निकालना सीधी सी बात है, तो वर्गमूल निकाले तो 64 का वर्गमूल निकाल दो और किसका निकाल दो, 81 का वर्गमूल निकाल दो। 64 का कितना होता है 8 होता है और इसका कितना होता है 9। तो ये आपको मैंने आज बताया कि वर्गमूल अनुपात, घनमूल अनुपात, घनानुपात, वर्गानुपात और आपको सिखाया मध्य अनुपात तो पीछे मैंने बता ही दिया था और तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात के बारे में बताया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए तथा यदि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।